नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कल से जो आपका इंटर का एग्जाम शुरू होने वाला है उसमें किस प्रकार से ओएमआर सीट आएगा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और ये वीडियो जो है अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्जाम में किस तरह से ओएमआर सीट फिल करना है ये देख पाए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जो कल एग्जाम में पूछा जाएगा ओएमआर सीट वो दिखा रहा हूँ। ये ओएमआर सीट टोटल 3 पन्नों का होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वन पेज, ये वन पेज, टू पेज और थ्री पेज। तो मैं बारी बारी से तीनों पेजों का बता देता हूँ कि आपको किस तरह से फिल करना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 2 पे। सॉरी, पहले पेज नंबर 1 समझा देता हूँ। देखिए, पेज नंबर 1 इस तरह से आएगा, आपका ऊपर लिखा होगा यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना वार्षिक एग्जाम 2019। उसके नीचे सबसे पहला जो टेबल आएगा वो आता है आपका सब्जेक्ट का, यानी कि सबसे पहले आपको भरना है आपका विषय। उसके बाद अगला आपको देना है उत्तर देने का माध्यम, यानी कि आप कौन से भाषा में लिखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना है। जैसे इंग्लिश लिखना है या फिर हिंदी लिखना है वो आप यहाँ पे भरना है। आप इसे हिंदी में ऐसे भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं हिंदी, ठीक है। आपको दूसरा टेबल होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होंगे टोटल 10 सेट होंगे, ठीक है। तो आपको जोन सा सेट क्वेश्चंस मिलेगा इसको तुरंत भरने मत लगेगा, इसके लिए आप वहां पे स्कूल के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, निरीक्षक होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। आपका जो शॉर्ट सेट मिला होगा आपको, आपका सेट जैसे आपको ए सेट मिला या बी सेट मिला या फिर डी मिला, अगर आपको डी सेट मिला है तो इस वाले जो डब्बा देख पा रहे हैं इसमें आपको भर देना होगा सिर्फ डी और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी सी डी करके दिया हुआ है, उसके बाद ये जो डी वाला कॉलम है इसको आपको आपके ब्लू बॉल पेन से घेर देना है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे परीक्षा की तिथि जो है वो मेंशन होगी, तो उसको आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट, जैसे आपने अगर साइंस लिया होगा, अगर आपका साइंस का पेपर होगा तो यहाँ पे साइंस लिखा होगा, तो इसके लिए भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कॉमर्स का है तो कॉमर्स ये सिर्फ पहले से ही फिल होगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का नाम पहले से फिल होगा और कोड पहले से ही फीड होगा, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको पेज नंबर 2 पे जो क्या क्या चीजें वो दिखा देता हूँ। पेज नंबर 2 में आपको ये ओएमआर सीट फिल करना होता है, जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट का कोड है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 101 है, सब्जेक्ट का कोड 101 है, तो यहाँ पे लिखना होता है 101। उसके बाद 1 वाले घेरा को इसमें घेरना होता है, 0 वाले को इसमें घेरना होता है और 1 यहाँ पे घेरना होता है। ये आपने स्कूल में आपके टीचर ने मदद कर ही दिया होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अगला जो टेबल है वो इस तरह से भरना है, इसके अंदर आपको भरना है टोटल कितने मार्क्स का पेपर है वो भरना है, वो टीचर से पूछ लीजिए, गाइड कर देंगे आपको, उसी हिसाब से आपको ये वाली जो टेबल है ये वाली, ये आपको नहीं भरना है, छोड़ना है, ये जब पेपर चेकिंग होता है उस समय भरना होता है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो इस, ये आपने 2 पेज देख लिया, अब मैं आपको तीसरा पेज दिखा देता हूं। अगर हम तीसरे पेज की बात करें तो वहां पे आपको मैच करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप अपना नाम देख लीजिएगा कि नाम सही सही लिखा है कि नहीं, अगर कोई नाम के स्पेलिंग या कुछ मिस्टेक है तो आप तुरंत बचाइएगा टीचर को,
उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल को पहले से ही लिखा होगा, ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखा होगा, आप सिर्फ अपने एडमिट कार्ड जो आपको मिला है उसके साथ मैच कीजिएगा। ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये भी पहले से लिखा होगा अगर, और सब्जेक्ट का नाम भी लिखा होगा। अगर यहाँ पे ना लिखा हो तो भी आप चिंता मत कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो तारीख है ये भी पहले से ही लिखी होगी, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पहले से लिखा होगा। आप कौन से स्ट्रीम से, जैसे साइंस या आर्ट्स कॉमर्स जो भी ले रखा है वो भी लिखा होगा। आपको सिर्फ मैच करना, उसके बाद आपको जो भरनी है वो तीसरे पेज पर सिर्फ आपको सेट का नंबर भरना है। जैसे आप इस पेपर में पहले से बता रहे हो कि आपने डी सेट ले रखा है तो यहाँ पे डी भरना है, लेकिन आपको जो मिलेगा वही भरना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको डी बता रहा हूँ तो आप डी भर देंगे। उसके बाद आपका जो सा सेट होगा, जैसे डी लिया होगा तो यहाँ पे डी वाले गोल जो गोला इसको घेर देना होता है। अगर आपने कोई जो सेट मिला वहां पे ई सेट मिला तो आपको ई भरना है और यहाँ भी ई भरना है। उसके बाद जो आपको करनी है वो नीचे आपको यहाँ पे वापस रोल नंबर और रोल कोड नंबर भरने हैं, और नीचे मार्कशीट फिल करना है। बस आपको इतना कुछ करना है, और कहीं भी कोई दिक्कत आए फॉर्म वगैरह भरने में तो आप रुक जाइएगा, गलत मत भरिएगा, हर बार आइएगा नहीं, आप पूछ लीजिएगा वहां पे जो टीचर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि आप किसी स्टूडेंट से पूछिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी दूसरे फ्रेंड से बात नहीं करनी होती है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता है। तो आपको किसी दोस्त से या सहपाठी से नहीं पूछना है, आपकी कोई भी समस्या है तो वहां पे जो एग्जाम के अंदर जो एग्जाम ले रहे होते हैं शिक्षक जो होते हैं उन्हीं से पूछना है, वो आपको गाइड करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि बिहार बोर्ड ने आपकी मदद के लिए 25 स्टूडेंट पे एक शिक्षक नियुक्त किया है जो कि आप लोगों को मदद करते रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए और आराम से एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बिहार डेलीगेशन के लिए, चंदन कुमार।